और बिहार का क्राइम ग्राफ फिर से चर्चा में है, इसे लेकर के जहां नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग बुला रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से अपडेट ये है कि क्राइम को लेकर के आज विपक्ष की पार्टियां हल्ला बोलेंगी। 15 जुलाई को बिहार में राजनीतिक हत्या के बाद नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को नीतीश कुमार ने समीक्षा मीटिंग बुलाई। शाम को 4 बजे से मंथन शुरू हुआ। सभी जिलों के SSP, SP, IG, DIG, कमिश्नर सहित बड़े अफसर जुड़े। अधिकारियों से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा हुई, फीडबैक लिया गया। जैसे मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई, हम लोगों ने सरकार की तरफ से पूरे मुस्तैदी से उसकी जाँच कराई है। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब राजनीतिक घमासान और भी तेज हो गया। इंडिया गठबंधन बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ आज मोर्चा खोलेगा। पटना में इंडिया गठबंधन के नेता प्रदर्शन करेंगे। 15 जुलाई को बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हुई थी। सुपौल में उनके घर में रात के वक्त धारदार हथियार से हत्या की गई थी। इस राजनीतिक हत्या के बाद से बिहार में नीतीश सरकार पर विपक्ष लगातार जुबानी हमले कर रहा है। देखिए, ट्रेनी IAS पूजा खेडकर के विवाद में हर दिन नई कहानी जुड़ रही है। अब ये मामला सामने आया है कि पूजा खेडकर ने फर्जी दस्तावेज लगाकर सिविल सेवा की परीक्षा पास की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। पूजा खेडकर, ये वो नाम है जो इन दिनों विवादों के केंद्र बिंदु में है। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। UPSC ने पूजा के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। आरोप है कि पूजा ने जालसाजी कर अपने डॉक्यूमेंट्स बदले हैं। नियमों के मुताबिक तय अटेम्प्ट्स से ज्यादा बार UPSC का एग्जाम दिया है। पूजा ने अपना नाम, माता पिता का नाम, सिग्नेचर, ईमेल, ID तक बदले हैं। साथ ही UPSC ने पूजा खेडकर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। इतना ही नहीं, पूजा की माँ से जुड़ी एक इंजीनियरिंग कंपनी को भी सील कर दिया गया। इस कंपनी पर 2 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया होने का आरोप लगा है। पूजा खेडकर की मां इस वक्त पुलिस हिरासत में है। पूजा की मां मनोरमा खेडकर पर जमीन विवाद को लेकर बंदूक दिखाकर कुछ लोगों को धमकाने का आरोप है। आज उनकी पुलिस हिरासत खत्म होगी और पुणे कोर्ट में पेशी होगी। वहीं आज पूजा खेडकर को भी पुणे पुलिस के सामने पेश होना है। और देखिए, इंडियन महिला एशिया कप चल रहा है और इंडियन टीम ने आगाज कर दिया है। आगाज कैसे किया है? पाकिस्तान की टीम को 7 विकेट से हराकर। भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों का एशिया कप में ये पहला मैच था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन पाकिस्तान की टीम 19.1 ओवर में 108 के निजी स्कोर पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान के लिए सिदरा अमीन ने सबसे ज्यादा 35 गेंदों पर 25 रन बनाए। फातिमा सना ने 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 बॉल पर 22 रन बनाए। 108 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम के दोनों ओपनर्स ने धांसू बल्लेबाजी की। स्मृति मंधाना ने 31 गेंद में 45 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 29 बॉल में 40 रन बनाए। 14.1 ओवर में ही 3 विकेट खोकर जीत हासिल की। ABP News आपको रखे आगे।